रामपुर में मुसलमानों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी। प्रशासन का कदम सराहनीय, जिला अधिकारी को दी मुबारकबाद। फैसल लाला ने अवैध गेट को गिरवाने के लिए राजभवन में दर्ज कराई थी शिकायत। एक तानाशाह जो कि सरकारी बहादुर था, उसने न सिर्फ लोगों पर जुल्म करे बल्कि अपनी सत्ता का नाजायज इस्तेमाल करके जौहर इंडस्ट्री के रास्ते में तोपखाना रामपुर के पास उत्तराखंड को जाने वाले स्टेट हाईवे पर इतना नीचा गेट बनाया था, जिसके कारण स्कूलों की बसें, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, उत्तराखंड जाने वाली टूरिस्ट बसें, सबका रास्ता बंद कर दिया गया था और उस गेट को नाम दिया था उर्दू गेट, जिससे कि आगे आने वाली सरकारें उर्दू नाम को देखते हुए गेट तोड़ने की हिम्मत ना कर सकें। लेकिन सरकार का ये कदम सराहनीय है और इस गेट के टूटने की खुशी सबसे ज्यादा मुसलमानों को हुई है, क्योंकि हमारा धर्म इस्लाम किसी का रास्ता रोकने की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन आजम खान जैसे स्वयंभू मुसलमानों के नेता धर्म का चोला पहनकर न सिर्फ इंसानियत को बल्कि मुसलमानों को भी शर्मसार करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की जब हुकूमत थी तो आजम खान ने रामपुर के लोगों के ऊपर बेहद जुल्म किए। रामपुर में सारी ऐतिहासिक इमारतों को उन्होंने ध्वस्त करा दिया, पेलिंग मशीन, आरा मशीन, तमाम लकड़ी के कारोबार को बर्बाद करके लोगों को बेरोजगार कर दिया और अपनी जौहर यूनिवर्सिटी के जाने वाले रास्ते में, जो कि स्टेट हाईवे से होकर उत्तराखंड को जोड़ता है, उस रास्ते पर एक गेट बनाया और उसको इतना नीचा बनाया कि वहाँ से ना तो स्कूल की कोई बस गुजर सकती है, ना कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी गुजर सकती है और ना उत्तराखंड को जाने वाला टूरिस्ट उस रास्ते से होकर गुजर सकता है। और उसको बनाने की मंशा सिर्फ ये थी कि जौहर यूनिवर्सिटी के आगे से ट्रैफिक नहीं गुजरे, हैवी ट्रैफिक जो है वाहन वहाँ से ना गुजरे। इस वजह से उन्होंने नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर एक गेट को बनाया, बहुत नीचा करके बनाया, एक तरह से उत्तराखंड के रास्ते को ब्लॉक कर दिया, रास्ता रोक दिया, जनता का, आम जनता का रास्ता रोका। तो उसकी हमने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से शिकायत दर्ज कराई थी सत्ता परिवर्तन होते के साथ ही, और उस शिकायत पर संज्ञान हुआ है। आज जिला प्रशासन ने उस गेट को ध्वस्त किया है और लोगों का रास्ता खोला है।